हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फाइव यूजीसी नेट। हम आज यहाँ पे यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 रिजल्ट 2021 के बारे में बात करेंगे। तो आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी जो पिछले दो दिन से चल रहा है कि कल या परसों की बात है जो चल रही थी कि आज रात तक जो है यूपीएचएससी की रिजल्ट आ जाएगी, और एक किसी यूट्यूबर ने ये बोला कि यूपीएचएससी का रिजल्ट जो है जनवरी में आएगा। उसकी वजह ये है कि 25 दिसंबर से लेकर के हमारा जो है 31 दिसंबर तक यूपीएचएससी में छुट्टी है। ठीक, तो इस तरह की जो है चीज़ें चल रही हैं हमारा जो है यूट्यूब चैनल पे। तो इसकी वजह से मुझे जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के कब चांसेज है, क्या है। तो मुझे लगा कि आप तक जो है एक वीडियो बना करके ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए और जो कन्फ्यूज़न है या मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करना चाहिए। तो देखिए, मैं या आप हो या कोई भी है, एक्सपेक्ट ही कर सकता है सबसे पहली बात। और एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जैसे एक इकोनॉमिक्स का कोई भी कंज्यूमर होता है तो उसको रैशनल कंज्यूमर कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो प्रीवियस में और जो पास्ट के डेटा होते हैं और या उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही होती हैं प्रेजेंट में, उसके अकॉर्डिंग वो जो है चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है। और वो जितना क्लोजली एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका जो ओरिजिनल होने वाला है उसके बराबर हो, वही जो है रैशनल कंज्यूमर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम बात उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने एक्सपेक्ट किया और अब भी मैं उसी बात पे हूँ कि हमारा जो है रिजल्ट 25 से 31 दिसंबर तक ही आएगा। रीजन मैं आपको अभी बताऊँगी और उसका जो है मैं आपको आधार भी बताऊँगी, बेस भी बताऊँगी क्यों मैंने ये जो है डेट एक्सपेक्ट करी। उससे पहले कल से एक जो है यूपीपीएससी जीआईसी का अपडेट आया, जिसमें ये था कि हमारा जो प्री जिसने क्वालिफाई किया है वो आप मेंस के लिए फॉर्म भर सकता है। तो उसका जो है इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि कल टाइम नहीं था तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे बता दिया था कि यूपीपीएससी जीआईसी का मेंस का फॉर्म जो है भरा जा रहा है, तो आप लोग भी भर दीजिए। तो ये देखिए, हमारा जो पेपर देने के बाद का था टाइम, ठीक, जिसमें हमने देखा था प्रतियोगियों के लिए खास रहेगा दिसंबर जी, इसमें जो है हमारा आया था। तो इसमें एक चीज़ का था कि हमारा मेंस का परिणाम 15 दिसंबर तक जारी कर सकता है, जो कि काफ़ी हद तक जो कि हमारा प्री वाला जो है ये कृषि सेवा का जो था इसका हुआ अपने टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है साक्षात्कार के बाद दिसंबर के अंत अथवा जनवरी के प्रथम सप्ताह में अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी है। वही आप ये वाली चीज़ पढ़िए, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने, जो कि ये वाला काम अपने टाइम पे ही चल रहा है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके तहत 48 विषयों में जो 2003 पदों पर भर्ती होनी है, लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी 15 दिसंबर से पहले जारी हो जाएगी। तो आप सबको पता है कि हमारी लिखित परीक्षा की जो आंसर की है 10 दिसंबर तक अपलोड की जा चुकी थी। हाँ, उसमें आंसर की में जो है कुछ सब्जेक्ट की, जैसे कि 13 नवंबर की जो सब्जेक्ट जो हुए शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट की, उनकी आंसर की जो है दो बार जो है अपलोड की गई। और उनका रीज़न ये था कि हमने जो है 3 सेट में पेपर बनवाए थे और जिस सेट का पेपर कराया था उसकी आंसर की अलग हो गई थी और इसकी वजह से जो है कन्फ्यूज़न हो गया, तो उन्होंने जो है चेक करके वापस से उस सेट की आंसर की दी। तो ये उन्होंने रीजन दिया, पर बात ये नहीं है कि आंसर की कितनी बार आई, बात ये है कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम आंसर की 15 दिसंबर से पहले जारी हो जाएगी और इन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग 10 दिसंबर तक जो है आंसर की जारी करी है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अभ्यर्थियों से आपत्ति लेकर के लिखित परीक्षा का परिणाम दिसंबर महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा।
साक्षात्कार 15 जनवरी तक शुरू करने की तैयारी है। वही लोक सेवा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य विशेष चयन प्रारंभिक परीक्षा 2021 5 दिसंबर को, प्राविधिक परीक्षा अध्यापन सेवा 2021 को और 12 दिसंबर तथा महिला प्रवेश वाला जो है ये परीक्षा हमारा जो है दिसंबर को किया जाएगा, जो कि हमारा पोस्टपोन हो गया। लेकिन हम इस वाले को लेकर चलेंगे अपने UPHSC को, क्योंकि ये दूसरा है। तो UPHSC ने अपना आंसर की टाइम से पहले तो जारी किया ही, ठीक। साथ में इन्होंने परीक्षा का परिणाम दिसंबर महीने के अंत तक जारी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने आपत्ति को 10 दिसंबर को जो अपलोड किया आंसर की, उसके अकॉर्डिंग 18 दिसंबर इन्होंने आपत्ति वाला किया, ठीक। फिर जब आंसर की नई अपलोड करनी पड़ी, उसकी वजह से इन्होंने 21 दिसंबर कर दिया। तो अब 21 दिसंबर ख़त्म हो चुका है, तो इनकी तैयारी तो पूरी रही होगी। बस कुछ सब्जेक्ट में जो आंसर की जो आंसर जो है गलत आए होंगे, उसको उनको जो है चेक करना है। और चेक करके जैसे ही उनको ये पता चलेगा कि नहीं, ये वाली आंसर की ये आंसर हमारा जो है गलत है और जो स्टूडेंट ने आपत्ति दी है, तो उसको बस उनको कंप्यूटर में डाल के ऑपरेट ही तो करना है, वो फिर आंसर की निकल जाएगी और आपका रिजल्ट सबका आ जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारा 25 तारीख है और 21 का तो ये लोग ये वाला काम तो कर ही चुके होंगे। और जिस तरीके से इन्होंने आंसर की पहले जारी कर दी और जो हमारा चुनाव वगैरह का टाइम जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, मेरा अब भी यही कहना है कि हमारा रिजल्ट जो है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच ही आएगा, ठीक। क्योंकि ये और बेस मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्यों ऐसा बोला, ठीक। ये देखिए, और जिस तरह से ये हुआ, उसके पहले 5 दिन पहले जारी कर दिया गया, तो हमने 25 से 31 एक्सपेक्ट किया है वो हो जाएगा, क्योंकि हमें साक्षात्कार भी इसी तरीके से तैयारी करनी है। और जिस तरीके से आपको पता है कि चुनाव की वजह से जो है PGT का जो जिस तरह से एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हुआ, सारी चीज़ें हुई, यहाँ पर भी चांसेज हैं, तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लीजिए। और एक चीज़ और कि एक यूट्यूब चैनल पर ये बोला जा रहा था कि 25 से 31 दिसंबर तक हॉलीडे है, UPHSC आयोग जो है बंद है, इसकी वजह से जो है ये दिसंबर में नहीं आएगा। तो मैंने यूपी की जो है हॉलीडे लिस्ट चेक करी है, यूपी की हॉलीडे जो है लिस्ट 2021 जो है चेक करी है, उसमें दिसंबर महीने की जो लास्ट वीकेंड की जो छुट्टी है उसमें केवल ये है कि आपका क्रिसमस की जो छुट्टी है, क्रिसमस की जो है छुट्टी है आपकी, केवल ओनली क्रिसमस, जो कि आज 25 तारीख है, बाकी कल संडे हो जाएगा। तो हाँ, ये मान लीजिए कि कल संडे की वजह से बंद रहेगा, तो आज और कल आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है रिजल्ट। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हमारा आंसर की आया था वो हमारा रात को आया था, रविवार को आया था, ठीक, सैटरडे शाम को और रविवार को, क्योंकि ये जो पब्लिश करनी होती है वो एजेंसी को करनी होती है, किसी आयोग जो एजेंसी है, आयोग ने जिस एजेंसी को दिया होगा काम वो उसने करना है, बाकी किसी ने नहीं करना है। तो वो वहाँ से हमारा जो है पब्लिश हो गया होगा, पब्लिश करेंगे। तो 25 और अगर 26 आप छुट्टी मान के भी चलते हो, तो आपके पास 27, 28, 29, 30 और 31 है, ठीक, 30 और 31 है। इस तरीके से आपका फिर भी 5 दिन बचता है। तो और यूपी की जो हॉलीडे लिस्ट है उसमें केवल 25 क्रिसमस डे का ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर की आएगा और मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि आपका इसी दिसंबर के लास्ट मंथ में ही आएगा, क्योंकि इनको जो है वापस से इंटरव्यू भी करानी है। अगर ये जो है एक्सटेंड करेंगे तो आपका जनवरी भी चला जाएगा इसी तरह से। तो चुनाव वाला ये सारा सीजन जो भी है, ये सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब चुनाव होने लगेंगे, वोटिंग होने लगेंगी, तो जो टीचर होते हैं उनकी वहाँ पे जो है होने लगती है ड्यूटी। तो ये सारी प्रॉब्लम है, जहाँ तक मेरी राय है हमारा रिजल्ट यही से यही तक आएगा। बाकी ये जो है मैं 99% ही कहूँगी, 100% तो अथेंटिक जब आ जाएगा या आएगा, कोई जो आयोग में बैठा होगा वो भी नहीं बता सकता कि कब आएगा, क्योंकि उनका भी जो है काम है। तो इसके अकॉर्डिंग और जो मैंने रीज़न दिया है वो मेरे अकॉर्डिंग वैलिड, अगर आपको भी वैलिड लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर चैनल को आपको जो वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।